आज मैं जिस बारे में डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है फिजाइया हाउसिंग स्कीम का फेस टू। 15 मिनट की इसकी जो ड्राइव है वो मुल्तान रोड की तरफ है और 15 मिनट ही की ड्राइव से ये ड्राइवेंट को आता है। मतलब कि यहाँ आपको गैस की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगी और मेंटेनेंस वगैरह ये सब अवेलेबिलिटीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। Assalamualaikum everyone, my name is Amisha and I'm from Titanium Group. जैसा कि आपको पता है कि Titanium Group आपके लिए residential और investment opportunities लाता रहता है। आज मैं जिस बारे में discussion करने जा रही हूँ वो है फिजाइया housing scheme का phase 2। phase 2 जो है ये एक अच्छी opportunity है उन लोगों के लिए जो low cost plots को देख रहे हैं और एक अच्छी location पे देख रहे हैं। इसको जो है 9 किलोमीटर from Adda plot and Sharif Medical Complex जाती उमरा वाली साइड से इसका एक एंड है और दूसरा इसका जो एंड है गेट आता है वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट को लिंक करता है। 15 मिनट की इसकी जो ड्राइव है वो मुल्तान रोड की तरफ है और 15 मिनट ही की ड्राइव से ये ड्राइवेंट को आता है। आगे मैं आपको बता दूंगी कि इसके अंदर जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो है 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। इसके अंदर जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं वो 60 to 65 हैं और इसके अंदर जो इनकी प्राइजेस हैं 1 कनाल के प्लॉट की 60 लाख से लेकर 65 लाख तक है और जो 10 मरला की प्राइस है वो 32 लाख से लेकर 43 लाख तक है। 7 मरला की जो प्राइस है वो 28 लाख से लेकर 32 लाख तक है। लोकेशन टू लोकेशन ये डिपेंड करता है, अच्छी लोकेशन पे आता है तो थोड़ा सा रिलेटिवली एक्सपेंसिव आ जाता है और उससे ज़्यादा जो है वो थोड़ा लो कॉस्ट आ जाता है। और जो 5 मरले की प्राइजेज हैं वो हैं 20 लाख से 25 लाख तक। फेज़ टू के अंदर जो है वो 4 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। ए ब्लॉक के अंदर जो है वो 1 कनाल है। 1 कनाल की जो है वो क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और ये लो कॉस्ट में है तो यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है क्योंकि प्लॉट नंबर भी इसमें कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 60 से 65 प्लॉट्स अवेलेबल हैं 1 कनाल के। बी ब्लॉक में आपका आ जाता है 10 मरला, सी ब्लॉक में आपका आ जाता है 7 मरला और डी ब्लॉक में आपका आ जाता है 5 मरला। 5 मरला की प्राइजेस जो कि 20 लाख से लेकर 25 लाख के अंदर है। मतलब वो लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है कि आपको जहाँ पर भी वो प्लॉट मिल सकता है जिसकी लोकेशन जिस तरह से भी होती है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। पोजेशन आप जैसे ही प्लॉट बाय करते हैं आपको फ़ौरन पोजेशन मिल जाता है और गैस का कनेक्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पर गैस के कनेक्शन हुए हैं जो कि मेन इसका होता है कि गैस की जो सोसाइटी के अंदर है जो मेन कनेक्शन जो है वो जो मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पर और मेन कनेक्शन जो है गैस के वो यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब कि यहाँ आपको गैस की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगी और मेंटेनेंस वगैरह ये सब अवेलेबिलिटीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। बाकी बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन की जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 9 किलोमीटर अड्डा प्लॉट से और जाती उमरा से आ जाता है और लेक सिटी वगैरह। तो दूसरी चीज़ यह है कि इसकी तरह ये शहर से थोड़ी हट की लोकेशन है लेकिन यहाँ पे इन फ्यूचर आपका है जो कि रायवन रोड को भी लिंक करेगा जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अभी यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी अच्छा है और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी अच्छा है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बिल्कुल साथ लगती है, करीब इसके दूसरे एंड से, और जो जाती उमरा भी है वो भी इसके बिल्कुल साथ लगता है इसके अदर गेट से। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये आपको लोकेशन जो जैसे जैसे इसकी आबादी इंक्रीज़ होती जाएगी इसमें यहाँ पे जो है वो प्राइजेज़ वगैरह हैं उसी तरह से इंक्रीज़ होती जाएंगी। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, अच्छी लोकेशन पे मिल रही है, नीट एंड क्लीन सोसाइटी है। अगर आप एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको दोनों एंड्स पे पार्क मिलते हैं। इसके जो रोड है वो 30 फीट वाइड है और इस अमाउंट के अंदर आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस हिसाब से भी और रेजिडेंशियल के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में या पाकिस्तान में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और डिटेल्स चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए सेम नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।